Do you like my mic? Oh, your spectacles. Yes, there is a pair of spectacles. आज एक से एक नगीना लोगों के साथ स्टेज पे मौजूद हैं। मैं क्या कहूँ, मुझे कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। सोनू के लिए मैं कुछ चंद लाइनें बोलना चाहूंगा। मोहम्मद रफी जैसा अंदाज है, मोहम्मद रफी जैसा अंदाज है, ये आवाज अनमोल आवाज है। जब गीत बन के आती है आपकी आवाज, आपकी दिल में जगह बनाती है आवाज आपकी। सुंदर आप तशरीफ लाए, बहुत हमारी हौसला अफजाई हुई। तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे हमारे दोस्त शायर समीर साहब, उनके लिए तो बस इतना ही कह सकता हूँ, बाहुनर बाकमाल एक शायर का नौनिहाल। नाम और शोहरत से माला माल सरस्वती है जिस पर निहाल। फिल्मी गीतों के जिसने बढ़ाई शान, एक और सिर्फ एक समीर अंजान। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल्ली में भी तशरीफ लाए। ऐसा लगता है आपके साथ अब जन्मों जन्मों का रिश्ता है। पिनाज मसानी मेरी 30 साल से भी पुरानी मित्र है। जब ये नेपाल कंसर्ट के लिए आती थी तो पूरा काठमांडू इनका आशिक हुआ करता था। अभी आज के इस किताब को आप सबके सामने लाने में टाइम्स ग्रुप बुक का तो बड़ा हाथ है ही, मगर किताब के तैयारी के लिए बहुत से ऐसे नाम हैं जो सामने नहीं दिखते हैं, मगर उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मेरे उस्ताद शायर साहिद हमदानी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने किताब को संपादित किया और मुझे गजलों की हर बारीकियों से परिचय करवाया। इस किताब मेरे कुछ जो कविताएं, गजल, नज्म, गीत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मेरे मित्र संजय शेखर जो जकार्ता में रहते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी मदद की है। आज वो यहाँ तो नहीं आ पाए, मगर मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस किताब की भूमिका लिखने के लिए खय्याम साहब को मैं जितने भी आभार व्यक्त करूँ कम होगा। उन्होंने मुझे एक अलग ही ऊंचाई में पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। किताब की तैयारी में चंद एक नाम नमस्कार, यहाँ पे जितने आए तमाम लोग हैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और
खास तौर से बसंत चौधरी साहब, ये बुक मैंने दिल्ली में रिलीज की और अभी तक पूरी पढ़ तो नहीं पाया हूँ, मगर जितनी पढ़ी है बहुत अच्छा लगा मुझे। और कबीर भाई, जो इनके बारे में कहा जा रहा था, इनकी गजब का जो नाम भी है चाहतों के साहिब है, चाहे इनकी गजल हो चाहे इनकी कोई भी कविता हो या जो कविता इन्होंने पढ़ी है पानी, मैंने जो कुछ भी पढ़ा उसमें कहीं ना कहीं चाहतों का जिक्र जरूर है। उसको कहने का अंदाज भले अलग हो मगर कहीं ना कहीं उसमें चाहत है। उनकी चाहत भले उस खूबसूरत पर्वत से हो, उनकी चाहत भले उस खूबसूरत पेरेंट्स के साथ हो, उनकी चाहत भले उनकी खूबसूरत कविताओं के साथ हो, मगर कहीं ना कहीं चाहतें जुड़ी हुई हैं। और बड़ा अच्छा लगा कि एक आदमी हिंदुस्तान से इतनी दूर जाके नेपाल में इस तरह की बात सोचता है, इस तरह की बात करता है, ये अपने आप में बहुत कमाल की बात है। सोनू के बारे में मैं क्या कहूँ, सोनू के बारे में मुझे कुछ कहने के लिए लफ्ज नहीं है। हम तो बहुत साथ में काम किए हैं और सोनू की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। सच कह रहे हो, ना करूँ तो बेहतर है क्योंकि उसकी ज़रूरत तुमको नहीं है। और यहाँ आए तमाम लोग, हसन कमाल साहब हैं हमारे बहुत अच्छे बड़े भाई, सागर त्रिपाठी जी हैं, जावेद साहब हैं, सारे लोग बहुत अच्छे, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ बुलाया गया। और मुझे पता चला था कि वसंत जी मेरे बहुत बड़े फैन हैं, इन्होंने मेरे बहुत सारे गाने सुने हैं। आज बड़ा खूबसूरत मौका था कि मुझे इनका गाना सुनने का एक बड़ा खूबसूरत मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इनसे कहा कि आपकी कविताएं जो मैंने पढ़ी तो उसमें मुझे कई जगह ऐसा लगा कि आप फिल्मी शायरों से भी बहुत इंस्पायर रहे हैं और आपने बहुत अच्छी तरह से उनके ख्यालों को अपने रंग में जोड़ा है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का और बहुत बहुत दुआ करता हूँ बसंत जी के लिए कि ऐसी बहुत सारी किताबें इनकी आती रहें और हम लोग उसको रिलीज करते रहें। शुक्रिया। नमस्ते एवरीवन, बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग यहाँ पर आए और मुझे भी यहाँ बुलाया। ये तो करता करता यहाँ की गौरी जी हैं जिनकी वजह से हमसे यहाँ पर आ जाते हैं। बसंत जी से मेरी पहली बार भेंट हुई है, इनके बारे में बहुत कुछ सुना था मैंने गौरी जी के माध्यम से, आज पहली बार मुलाकात भी हो गई है। बहुत अच्छा गाना उन्होंने लिखा है और मैं कहना चाहूँगा सुशांत जी, शंकर आप लोगों ने बहुत ही कमाल गाना बनाया, बहुत ही अच्छा, बहुत दिनों बाद एक अच्छा गाना मैंने गाया है जिसमें सही मायने में कुछ, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं चाहे वो शायर हों चाहे वो संगीतकार हों या एक्टर्स हों कुछ भी हों, सबको सब इतना तो पता ही है। खासतौर से इतने मीडिया पर्सन जो इतने जैसे ज्योति जी बैठे हुए हैं, इतने पुराने ग्राहक हैं इंडस्ट्री के, बहुत पुराने ग्राहक हैं यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनको पता है म्यूज़िक क्या क्या छूता है, क्या लिरिक्स अच्छी होती है, कौन सा म्यूज़िक अच्छा होता है। तो जब ऐसा कभी म्यूज़िक सामने आता है अच्छा लिखा हुआ अच्छा बना हुआ, तो उसको गाने का भी अलग मजा आता है। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल वीडियो बीइंग शॉट, विश्वास आपको बहुत बहुत पहली बार बोला हूँ मैं आपसे, वंडरफुल वर्क एंड आई डोंट नो योर नेम, सू, हे सू, वाइट फैंटास्टिक वंडरफुल एंड वीडियो वॉज सुपर, लॉट्स ऑफ लव ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच शंकर सर जी, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स and thank you for coming over here and all the people. I missed aap log ki shayari, main thoda miss kar gaya par koi baat nahi, main kahin na kahin dobara pakad lunga. Finance ji, we cannot let sabse pehle to ye jo book launch ho gaya kya kehna chahiye iske bare mein, aur bahut hi jab itne time se main industry mein hu, ab naye naye tarike se music launch hota hai maine dekha, पहले होते थे सिर्फ फिल्मों में गाने होते थे, फिर ऑडियो कैसेट्स आने शुरू हो गए, फिर सीडीज आने शुरू हो गए, फिर MP3 आने शुरू हो गए। अब गाने बनाने के लिए एक नए रीज़न और निकलता है, अच्छी किताब हो अगर तो उस किताब को लॉन्च करने के लिए गाने उसके बनाए जाते हैं। तो ये गाना बसंत चौधरी जी हैं जो नेपाल के प्रख्यात राइटर भी हैं और समाज सेवक भी हैं, जिससे मैं तो पहली बार मिला उनसे, तो उन्होंने मुझे उनका गाना लिखा हुआ था, तो टाइम्स में जिसने मुझे कहा कि आप इसे गाएँ, मैंने गाना सुना मुझे अच्छा लगा और इसीलिए मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। आई थिंक गाना अच्छा हुआ। और कैसा एक्सपीरियंस रहा चाहत के साए में गाने का नाम? चाहतों के साए में ये गाना बनाया है सुशांत और शंकर ने और इसे लिखा है बसंत चौधरी ने, ऑफकोर्स मेरी स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था गाना, तो जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने एक और गाना भी गाया इनके लिए, उसका नाम है आहाना, वो बाद में आएगा अभी, बट दोनों ही गाने मुझे बड़े अच्छे लगे। दोनों ने अच्छी मेलोडी हो, अच्छे लिरिक्स होते हैं तो फिर अच्छा गाने का मज़ा भी आता है, तो वो एक अच्छा रहा। सर इन दिनों जो सिंगल का ट्रेंड है उसको आप कैसे देखते हैं और गाने जो है रिक्रिएट किए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि रिक्रिएशन का तो मैं इतना कायल नहीं हूँ क्योंकि
फिर भी मैं ऐसा उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज वो लीगली कर रहे हैं, परमिशन लेके कर रहे हैं, जो ओरिजिनल कंपोजर्स हैं, लिरिक्स राइटर हैं, सिंगर्स हैं, उनको प्रॉपर क्रेडिट दे रहे हैं तो ठीक है, चलो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाना किसी और का होता है, नाम किसी और का जाता है, वो रॉन्ग है। तो हाँ बस बाकी इट्स फाइन, सिंगल का ट्रेंड है यूट्यूब में या सोशल मीडिया में, गाने कितनी बार देखे जाते हैं उस पर मुनसर है कि गाना कितना हिट है। बट मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कल होना हो मेरे ख्याल से भारत के इतिहास का सबसे बड़ा गाना होगा, कहते हैं उसके व्यूज़ हैं 89 मिलियन और कुछ पंजाबी गाने हैं जिनके व्यूज़ हैं 474 मिलियन, उसे सुनता कौन है? बात तो ये ना कि आप और मैं उसे उतना नहीं गुनगुनाते जितना कल होना वो गाते हैं। तो देर इज सम एक लूप होल तो है कि आप जिसको हिट समझते हैं वो वाकई में हिट है या नहीं है, या वो सिर्फ लोग देख रहे हैं इसलिए वो हिट हो रहा है। तो गाना जो फेमस होता है वो मतलब जैसे आप उदित जी का कोई गाना सुन लें पुराना, या कुमार शर्मा जी का सुन लें, या मेरा सुन लें, या जिंदगी का नहीं लगा सूरज जी का जो भी गाना है, वो रिकॉल वेरी हिट्स से ये क्लैरिटी आएगी बात। आपको लगता है कि लोग पहले के गाने थे वो ज़्यादा याद है? गाने अभी भी अच्छे बनते हैं, बट जिन गानों ऐसे जो गाने हैं जो याद करने स्मरण करने लायक हैं उनको शायद इतना इतनी बार रेडियो पे बजाया नहीं जाता, ये भी बात है। तो कल होना हो अगर किया जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब इनकी जो मर्जी करें मैं। अच्छा सर, सौरभ पांडे की शॉर्ट फिल्म आ रही है उसमें आप नजर आ रहे हैं? अरे हाँ, अभी यहाँ बात करेंगे, ये बात करेंगे, 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 संजू में आया था बढ़िया, और कुल्फी नंबर अपना कुल्फी गाना आया था, वन जीरो टू नॉट आउट में आया था, अभी एक दो और आने वाले तो आपको मालूम पड़ेगा इस चीज़ का अगर नहीं नहीं हाँ यहाँ नहीं। अच्छा सर, इसके अलावा जो न्यू कमर्स जो आ रहे हैं इंडस्ट्री में देखा जाए तो फिर उसके बारे में क्या कहना है आपको, क्या कहना है? तो अच्छे सब अच्छे हैं, आप इनसे बात इनकी बारे गाना गाया सर क्या अरे वो बसंत, अभी हम बसंत ऋतु की बात कर रहे हैं, बारिश की ऋतु की बात नहीं करेंगे हम लोग। बसंत जी आप क्या कहेंगे सर? खैर सोनू जी ने सोनू जी ने जो आवाज़ दी मेरे लिरिक्स पर, मैं क्या तारीफ करूं, सोनू तो बस सोनू ही है। जिस अंदाज से उन्होंने उस गाने को गाया है, एक लिरिसिस्ट की लाइनों को जब तक उसको गाने वाला और उसको कंपोज करने वाला जब अपने अंदर नहीं जीता है तब तक वो गाना गाना नहीं बनता। ठीक है, हम रोज़ नए नए गाने सुनते हैं और कितने गाने आपको याद रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सोनू जी ने जो मेहनत की इस गाने को और जिस अंदाज से उन्होंने पेश किया है, ये गाना सदा आप लोगों को याद रहेगा। सर हम ये बात करें बुक की, बुक देखिए ये मेरी हिंदी लैंग्वेज की दूसरी बुक है, इससे पहले आंसुओं की सियाही से चंद साल पहले मैंने रिलीज की थी, ये ब्लू टाइम्स ग्रुप बुक्स के जरिए आप सबके सामने आई है। इसमें गजलें हैं, गीताएँ हैं, नज़्म गीत है। मैं नेपाल में रहता हूँ, वैसे मेरी रूट राजस्थान से है, तो मैं नेपाली और हिंदी दोनों में लिखता हूँ, मगर मुझे कभी भी नहीं लगता कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ। देखो साहित्य का एक विद्यार्थी स्टूडेंट समझता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा लिख सकूँ। तो ऐसे में सोनू निगम जैसे हम सबके चहेते कलाकार जब कोई गाना गाने के लिए राजी हो जाते हैं तो लगता है कि आप एक शिखर पर। सब एक से एक फनकार हैं, उनके बारे में क्या बोलूं, जितना सब कहूं उतने कम पढ़ते हैं। हसन कमाल साहब, सागर त्रिपाठी, शाहिद लतीफ़, शाहिद हमदानी, सब मजे हुए फनकार हैं।
उन सबसे तो बहुत कुछ सीख, मैं उनके सामने कुछ चंद पंक्तियां पढ़ूं, वो मुझे मौका मिले, मेरे लिए तो सबसे गर्व की बात है। और आज ऐसा माहौल मिला मुझे, मुझे लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया। दो पंक्ति बोलानी सर, एक आपकी दस में। एक गजल गुनगुनाता हूँ, एक मतला एक शेर। दिल में गुजरी है, दिल में, एक मिनट देख लूँ। सबसे पहले तो दुआ देना चाहता हूँ वसंत चौधरी जी को, इन्होंने बहुत खूबसूरत किताब लिखी है और मैंने किताब पढ़ी भी है। और किताब में इनकी जो सबसे खूबसूरत बात लगी कि इन्होंने जितनी बातें कही हैं बड़ी सादगी से कही हैं, और वही बात कही है जो जो कुछ इन्होंने जिया है, जो कुछ इन्होंने जिया है वही कहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे पूरी उम्मीद है कि ये किताब बहुत मशहूर होगी, लोग इसको बहुत चाहेंगे, सराहेंगे। और एक आदमी जो नेपाल से आके यहाँ इस तरह की कोशिश कर रहा है, ये भी अपने आप में काबिल तारीफ़ है। तो मैं उनको फिर से बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ज़िंदगी में सफलता मिले। किस तरह के मिश्रण हैं, क्या है? सब कुछ है इसमें, इसमें प्यार के जज्बात भी हैं, इसमें नेचर के ऊपर भी बात कही गई है, इसमें रिलेशनशिप के ऊपर पर बात कही गई है, इसमें कंट्री के ऊपर बात कही गई है। कोई भी जज्बात ऐसा नहीं है जो इस किताब में नहीं है। अभी हाउसफुल 4 का काम चल रहा है, धड़कन का काम चल रहा है, ये दो बड़ी फिल्में हैं फिलहाल, और एक फिल्म शुरू होने वाली अक्षय खन्ना और राजकुमार राव की, अभी तक उसका टाइटल नहीं है। तो 4-5 प्रोजेक्ट हैं, आई एम बिजी इन दैट। थैंक यू। आपका परिचय, आपका पूरा नाम? मेरा नाम बसंत चौधरी है। मैं जब गज़ल लिखता हूँ तो बसंत सागर, मेरा तखल्लुस सागर लगाता हूँ। 30 सालों से लिख रहा हूँ, नेपाल में रहता हूँ। क्या है सर गजल जी चाहतों के साय में, क्या है जो आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? मैं हमेशा प्यार के, मोहब्बत के गाने गाता हूँ। मुझे लगता है कि प्यार मोहब्बत ही है जो दुनिया को बदल सकती है। तो चाहतों के साय में भी प्यार के इजहार को बहुत से अंदाजों में किया गया है। प्यार प्रेमी प्रेमिका के बीच का एक लगाव, परिवार के साथ का प्यार, दोस्तों के साथ का प्यार, या फिर अपने मुल्क के साथ का प्यार, तो कई हिसाब से प्यार को मैंने पेश करने की कोशिश की है। नहीं, मेरे मेरी रूट राजस्थान से है। आज से 150 साल पहले मेरे दादाजी नेपाल तशरीफ लाए थे। अब हमारी 5वीं जनरेशन है वहाँ, मगर आज भी हम घर में राजस्थानी भाषा ही बोलते हैं। इंडिया में हमारे वैवाहिक संबंध वगैरह हुए हैं, मेरी शादी खुद कानपुर में हुई है। तो ये नहीं, कभी नहीं लगता कि हम भारत आते हैं तो अपने को परदेशी महसूस करते हैं, नहीं। नेपाल भारत वैसे भी कई मायनों में एक सा है, हम एक भाषा बोलते हैं, एक सा खाना खाते हैं, हमारी सभ्यताएं, हमारी संस्कृति एक सी है। तो हिंदुस्तान का हिस्सा समझा जाता है? हिंदुस्तान का हिस्सा तो नहीं है, नेपाल एक स्वतंत्र मुल्क है, मगर काफ़ी सामंजस्यता है, क्योंकि हम लोगों की संस्कृति एक है। दो मुल्कों के बीच में रोजी और बेटी का संबंध है। तो इस समानताओं के साथ साथ हम लोग जीते हैं,
और कभी नहीं लगता कि हम लोग एक दूसरे मुल्क में हैं, तो बड़ा इजी महसूस होता है यार। कहा जाता है कि गजल जो है इंडिया के ज़्यादा बाहर कप्तान है, ये बात क्या कहना चाहेंगे? हम भी मानते हैं, काठमांडू में, नेपाल में भी, नेपाल में भी काफ़ी शायर हैं जो उर्दू में बहुत बढ़िया शायरी करते हैं, मुशायरा करते हैं। हमें भी कई मुशायरों में जाने का मौका मिला है। तो और एक दौर था, जगजीत साहब, जगजीत सिंह जी जिस अदा से गज़ल पेश करते थे। सर क्या कहना चाहेंगे, चांदों के साए में आज लॉन्च है और आप पहुंचे हैं, कैसे योगदान आपका? जी मैं एक्टिंग कर रहा हूं वीडियो में, और मतलब बहुत अच्छा मौका है एक एक्टर के लिए, सोनू निगम जैसे बड़े सिंगर आपको आवाज़ दें, और एक बहुत प्यारी कहानी है वीडियो की, बहुत इन्जॉय किया हमने बनाते समय, बहुत दिल से बनाई है, और वही चीज़ महसूस हो रही है। सोनू निगम जी ने बहुत खूबसूरती से गाया गाना, बहुत कम सोनू सर के ऐसे गाने आते हैं जो इतने बढ़िया होते हैं कि आप उनको बार 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 सुन सकते हैं, और ये उन गानों में से एक है। सर ये गाना कहाँ पे शूट हुआ है, अगर बात करें गाना कहाँ पे शूट हुआ है? ये गाना गोवा में शूट हुआ है सर, सब पूरा शूट इसका, ऑल ऑफ इट इज इन गोवा। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा। कैसी केमिस्ट्री सोनू जी आप? जी केमिस्ट्री जैसे गाने में मैं बोल नहीं रहा हूँ, वो बोल नहीं सकता लड़का जो मैं प्ले कर रहा हूँ, तो वो हाथों की जो लैंग्वेज होती है उसके थ्रू बात कर रहा है वो, उसकी तैयारी के लिए थोड़े दिन लगे, थोड़ा उसको अच्छे से तैयार किया। और स्कूबा डाइविंग है गाने में, तो पानी के अंदर जाके शूट करना था, वो भी मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, तो थोड़ा चैलेंजिंग था, मगर हमने दो दिन में इसको शूट किया और बहुत अच्छे से हो गया वो।